हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो बना रही हूँ। ऑलमोस्ट एक मंथ से ज़्यादा हो गया है मुझे। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी, साइंस पेडागोजी की सीरीज़ चल रही थी हमारी, तो जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने अप्रोचेस और मेथड्स के बारे में बात करी थी कि क्या डिफरेंस होता है। और फिर हमने देखा था कि साइंस के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सी अप्रोचेस हम लेकर के चलते हैं क्लासरूम में, तो वो हमने डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हमें मेथड्स करने हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज में हम मेथड्स को देखेंगे, मतलब टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड एंड कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स, इनको देखेंगे। ज़्यादा लंबे लंबे टॉपिक्स नहीं है, ये बहुत छोटे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप CDP में भी पढ़ी चुके हैं। तो यहाँ पर बस हम एक ब्रीफ में सारी चीज़ों को देखेंगे कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस। अच्छा, एक चीज़ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने टाइम बाद मैंने ये वीडियो बनाई, जो लोग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं, और मैं अपनी वीडियो कहीं भी शेयर नहीं करती हूँ। तो मैं ऐसे ही अपना वो डैशबोर्ड चेक कर रही थी, तो वहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी नए लोग जुड़े हैं। लास्ट 3 डेज़ में मेरे 3 सब्सक्राइबर गेन हुए हैं, तो इसका मतलब, और वॉच टाइम भी अच्छा है, तो इसका मतलब लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। और तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियोस और बनानी चाहिए। और लास्ट 1 मंथ से हमारा कॉलेज स्टार्ट हो गया था, 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था, BEd का जो चल रहा है हमारा, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो अचानक से सब्सक्राइबर जब गेन होने लगते हैं, वॉच टाइम अच्छा आने लगता है, तो एक मोटिवेशन भी मिलता है। और मैं कहीं अपनी वीडियो शेयर नहीं करती हूँ, तो ये सब्सक्राइबर मेरी वीडियोज़ को देखने पर मिला होगा, तो इस तरह का एक मेरा एक पर्सपेक्टिव है। और अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट भी करिए जो लोग देखते हैं, और क्या इम्प्रूवमेंट है, और किस तरह की वीडियोस देखनी है, कौन सा कॉन्सेप्ट टीचिंग से रिलेटेड जो आप देखना चाहते हैं, तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो कम अगेन बैक टू द टॉपिक पर आ जाते हैं। तो 3 पार्ट्स में हम मेथड्स को डिवाइड कर सकते हैं साइंस के, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड एंड कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड वो मेथड होते हैं जिसमें टीचर जो होता है वो सोल अथॉरिटी होता है, मतलब जो मेन होता है वो, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, वो टीचर के आसपास रिवॉल्व करता है, ठीक है। उसमें बच्चे किस तरह से, बच्चों की एबिलिटीज़ हैं, उनकी क्या लर्निंग नीड्स है, उन पर फोकस नहीं किया जाता, ओके, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता है। और जो टीचर होता है वही एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, मतलब वही बोल रहा होता है, वही इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, ठीक है, वही लेसन प्लान अपने हिसाब से बना रहा होता है। तो लर्नर्स में पर उन जो लर्नर्स होते हैं उन पर फोकस नहीं होता। तो इस तरह के मेथड्स ट्रेडिशनली फॉलो किए जाते थे अंडर द बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, जैसे कि लेक्चर मेथड हो गया, डेमोंस्ट्रेशन हो गया, लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन हो गया, और लेबोरेटरी। अच्छा, यहाँ पे लेबोरेटरी मेथड जो है वो वैसे तो लर्नर सेंटर मेथड में होता है, मतलब आता है ये कई बार, अगर आपने बुक्स में देखा होगा तो, लेकिन यहाँ पर ये टीचर सेंटर्ड मेथड में इसलिए इसको रखा गया क्योंकि आप लैब्स में देखोगे कि जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको जो कंट्रोल करता है वो टीचर करता है। तो अगर हम रियल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो हम समझ जाएंगे कि जो लेबोरेटरी मेथड है वो टीचर के अराउंड ही सेंटर्ड होता है, इस वजह से हम इसको इस कैटेगरी में रख देते हैं। उसके बाद लर्नर सेंटर्ड मेथड में ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड आ जाएगा, और कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में, मतलब एक दूसरे की कोऑपरेशन से जो लर्निंग होती है, उसमें ग्रुप लर्निंग हो गया, पीयर ट्यूटरिंग, टीम टीचिंग एंड रोल प्ले। तो आज इस वीडियो में हम टीचर सेंटर मेथड के जितने भी कैटेगरीज हैं वो सारी इसमें देखेंगे, और ज़्यादा लंबे टॉपिक्स नहीं है, जैसा मैंने कहा ब्रीफ में सारी चीज़ें हो जाएंगी, एक आइडिया मिल जाएगा मतलब आपको। तो सबसे पहले लेक्चर मेथड जो आया है, जो वर्ड आया है, सॉरी, वो लैटिन वर्ड लेक्टस से आया है, जिसका मतलब है विच इज़ रीड, जिसको पढ़ा जा सके। ये एक ऐसा मेथड है, क्योंकि टीचर सेंटर्ड में आ रहा है, तो एक ऐसा मेथड है जहाँ पे टीचर एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और बच्चे पैसिवली उसको सुन रहे होते हैं, मतलब एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन हो गया ये, क्योंकि टीचर ही बोल रहा होता है और बच्चे उसको बैठ करके सुन रहे होते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता था बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में, ओके, टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता था और बच्चे सुनते हैं उसको। अब इस तरह का जो मेथड होता है ना, वो कहाँ पर इफ़ेक्टिव होगा, वो छोटे बच्चों में इफ़ेक्टिव नहीं होता है। जैसे हायर एजुकेशन में लेक्चर मेथड्स इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन अगर हम प्राइमरी लेवल के पे बात करें या स्कूल लेवल पे ही बात करें, सेकेंडरी में भी, तो वहाँ पर लेक्चर मेथड इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा फोकस है वो किस पे है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, तो उसको तो ये बिल्कुल ही वायलेट करता है, तो इस वजह से ये नहीं होता, ठीक है। फिर अगर लेक्चर मेथड
जो है फिर कहाँ पे यूज़ होता है? कई कई बार किसी और मेथड्स के साथ इसके कॉम्बिनेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर मान लो कि हमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड करके दिखाना है तो पहले हम बच्चों को कुछ ना कुछ उसके बारे में बताएंगे, टॉपिक के बारे में। तो लेक्चर मेथड इफेक्टिव होता है किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने में, या अगर कोई लेसन हमने बताया ठीक है उसको समराइज़ करने में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, या फिर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिनको हम दिखा नहीं सकते ठीक है रियल एग्जाम्पल के थ्रू, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पर ये मेथड काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और साइंस में लेक्चर मेथड बहुत रेयरली यूज़ करना चाहिए ठीक है। और जिस तरह का साइंस का नेचर है जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग लेक्चर मेथड हमें इन्हीं चीज़ों में इफ़ेक्टिव होता है ठीक है। उसके बाद मेरिट्स में इसका मेरिट यही होगा क्योंकि ये टाइम भी बचाता है, मनी बचाता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक टाइम पे ही हैंडल कर सकते हैं, तो ये इसका मेरिट है टीचर्स के लिए। और डी मेरिट्स है क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है, बच्चे कुछ बच्चों से जो डायलॉग फॉर्म में जो इंटरेक्शन हो सकता है वो नहीं हो पाता है, टीचर ही बोलेगी और बच्चे सिर्फ उसको एज अ रिसीव करेंगे नॉलेज के फॉर्म में, तो वहाँ पर जो मीनिंगफुल लर्निंग है वो नहीं हो पाती। तो ये प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जो बच्चे खुद करके सीखे है ना, तो उसको ये फॉलो नहीं करता, और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को भी फॉलो नहीं करता। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पे। अच्छा, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है सीटेट में, अभी बताऊँगी किस तरह का क्वेश्चन है। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? डेमो देना ठीक है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये? एक्टिविटी सेंटर्डनेस। लेकिन आपको एक ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि डेमो कौन देगा? टीचर ही डेमो देगा। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में कौन जो मेन अथॉरिटी, मतलब जो सेंटर्ड होता है ये मेथड, किसके अराउंड होता है? टीचर के के अराउंड। बच्चे सिर्फ वहाँ पर उसको एज अ ऑब्जर्वर चीज़ों को देखते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में दिखेगा, तो आपको वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को चूज़ करना होता है। तो उस तरह का क्वेश्चन जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने अभी कहा कि टीचर जो है लर्नर के सामने किसी न किसी एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी को परफॉर्म करती है और बच्चे उसको ऑब्जर्व करते हैं। स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सकता है उनका ठीक है। कई बार टीचर क्या कर सकती है, उनसे क्वेश्चनिंग कर सकती है साथ साथ, तो वो सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करेंगे वहाँ पर, फिर वो आंसर देने की कोशिश भी करेंगे, हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे ओके या टीचर्स को हेल्प कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट सेटअप के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे क्लास 9th में मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये एक टॉपिक है, तो यहाँ पर टीचर ये एक एक्टिविटी करवा रही है कि क्या मैटर चेंज करता है अपनी स्टेट को, तो यहाँ पर टीचर करके दिखा रही है उस चीज़ को ठीक है, कि किस एक उन्होंने बीकर लिया, बीकर में उन्होंने आइस को डाला ठीक है, आइस के लिए उसके अंदर थर्मोमीटर डाला ठीक है, और फिर उसको बर्न करना स्टार्ट किया, तो किस तो बच्चों को बोला कि ऑब्जर्व करो थर्मोमीटर में टेम्परेचर को, कि किस टेम्परेचर पे जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई ठीक है। फिर बच्चों ने ऑब्जर्व किया उसको, फिर दोबारा फिर टीचर ने बोला कि अब ऑब्जर्व करो कि किस टेम्परेचर पे जो क्या बोलते हैं जो वाटर बॉयल होके स्टीम में कन्वर्ट होने लगा, तो वहाँ पर फिर बच्चे क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो अलग अलग स्टेप्स हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के। सबसे पहले टीचर प्लान करेगा कि क्या एक्टिविटी करवानी है, किस तरह का सेटअप क्रिएट करना है, फिर टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकता है थ्रू लेक्चर मेथड, प्रिपरेशन करेगा ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएगा, जब वो चीज़ पूरा प्रोसेस हो रहा होगा क्लासरूम में बच्चे उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन होगा, फिर फाइनली उसका इवेल्युएशन होगा ओके। फिर आ जाते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में। ये एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या हो रहा था, टीचर एक्टिविटी करके दिखा रही थी और बच्चे ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन इसको एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन बनाया जा सकता है इसको लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, जिसमें टीचर क्या कर सकती है, डेमो के साथ साथ उनको कुछ लेक्चर दे सकती है, डिस्कशन कर सकती है, एक्सप्लेन कर सकती है, ताकि बच्चों को क्लैरिटी और हो। जैसे कि क्लास 9th में एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है ना, एक चैप्टर है, तो वहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट बताना है सेल का, सेल मेम्ब्रेन का, तो वहाँ पर टीचर क्या कर सकती है, उसको लैब वगैरह में बच्चों को जा करके इस तरह से दिखाया जा सकता है कि किस पे उन्हें किस चीज़ को उन्हें ऑब्जर्व करना है ना, जैसे सेल ऑफ एन अनियन पील, उसको ऑब्जर्व करना है, तो उसमें क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है, तो वो चीज़ टीचर पहले से उस टॉपिक को उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकती है, जिससे बच्चे उसी चीज़ को ऑब्जर्व करें जो कि करनी है ऑब्जर्व, समझ रहे हो आप। फिर आ जाओ लेबोरेटरी मेथड पे। लेबोरेटरी मेथड किस पे है, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है? लर्निंग बाय डूइंग ठीक है। हैंड ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है हर एक बच्चे को, और जो लर्नर होते हैं उसमें एक्टिव होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन
वो फुली गाइडेड होते हैं, इंस्ट्रक्टेड होते हैं टीचर्स के द्वारा, इसलिए इसको टीचर सेंटर्ड में रखा गया है। बेशक यहाँ पर बच्चे खुद करके देख रहे हैं परफॉर्म, तो हमें तो रियलिटी पता ही है ना क्लासरूम में किस तरह से या लैब में किस तरह से एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो वहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो किसके बेसिस पे दिए जाते हैं, टीचर्स उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चों को। और फिर वहाँ पर बहुत सारे हमें देखने को मिलती हैं चीज़ें, बच्चे खुद मैनिपुलेट करते हैं रिजल्ट को, क्योंकि पहले से उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि आपको यही रिजल्ट लेकर के आना है। तो वहाँ पर जो लर्निंग है वो हो नहीं पाती और वो पूरी तरह से मीनिंगफुल नहीं होती। ठीक है, तो टीचर सेंटर्ड में ही आ जाएगा ये भी। इसके जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले प्रिपरेटरी एंड इंट्रोडक्टरी स्टेप्स, ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करते थे तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि आपके टाइम पे क्या होता था। तो पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता था, क्योंकि हर बच्चे के लिए तो इक्विपमेंट हो नहीं सकते ना लैब में। ठीक है, फिर बच्चों को इक्विपमेंट्स रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते थे, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे कि क्या फॉलो करना है, डू एंड डोंट्स, है ना, उनको स्टेप्स प्रोवाइड किए जाते थे, मैनुअल्स दी जाती थी कि आपको इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना है स्टेप बाय स्टेप। फिर जब ये चीज़ हो गई, उसके बाद जब बच्चे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते थे ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो वहाँ पर बच्चे क्या करते थे, किसी भी चीज़ को अगर उन्होंने टेस्ट करना है तो एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया जाता था। ठीक है, हाइपोथेसिस क्रिएट किया जाता था, उसके हिसाब से फिर उसको टेस्ट करके ऑब्जर्व करते थे, रिकॉर्ड करते थे ऑब्जर्वेशन को, और फिर फाइनली उस एक्सपेरिमेंट से कुछ ना कुछ कंक्लूजन आता था, उसको कंक्लूड किया जाता था। दिस इज़ ऑल अबाउट लेबोरेटरी मेथड। आई होप कि आपको सारे मेथड जो टीचर सेंटर मेथड के अंदर आते हैं वो क्लियर हो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो दो मेथड्स रह गए हैं, LCM आई मीन लर्नर सेंटर मेथड, और जो दूसरा मेथड है कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, तो उन दोनों को देखेंगे, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए, और बाकी सारी वीडियोज़ एक सीक्वेंस में देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट की। और इस वीडियो में मुझे नहीं लगता कि किसी में डाउट रहा होगा आपको, और अगर कोई किसी में है भी आपको डाउट तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ है उसका रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें।